जो तमाम जो एग्जिट पोल में दावे किए गए थे वो तमाम एग्जिट पोल के दावे जो हैं वो धरे के धरे ही रह गए वो वजह ये रही कि हुडा फैक्टर ने काम किया और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम हरियाणा सरकार टू जनता मांगे मोर क्योंकि आज का ये खास कार्यक्रम वजह यही है कि ये देखना बेहद अहम होगा क्योंकि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये दावा कर रहे हैं कि यह बैसाखी वाली सरकार है ज्यादा लंबा नहीं चलेगी तो आज इन्हीं तमाम सवालों को टटोलने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव को जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मनोज जी एक बार जोरदार तालियां कार्यक्रम के आगाज से पहले तो मनोहर सरकार का सरकार आ, टू पॉइंट जीरो जो है उसको लेकर के हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और क्या विजन क्या रोड मैप सरकार का है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की कि वो सरकार के जो विजन दिखाए जा रहे हैं जो रोड मैप दिखाए जा रहे हैं वो सही दिशा में है क्या उन पर सही तरीके से काम होता नजर आ रहा है ये समझने के लिए विपक्ष से सवाल करना बहुत जरूरी होता है भूपेंद्र सिंह हुडा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम इस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी बहुत स्वागत है आपका और सवाल पहला यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जनता को आप ये उम्मीद जगा रहे थे कि आपको दे, देखने वाली है लेकिन भूमिका नेता प्रतिपक्ष की मिली है इस सफर को इस दरमिया को कैसे देखते हैं आप, आप संतुष्ट हैं इस पद से इस वक्त देखिए प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दो ही चीज है जी। तो जो भी मैंडेट दिया है लोगों ने हरियाणा के लोगों ने हमारे को विपक्ष का दिया है तो विपक्ष की जो भूमिका है बड़ी जिम्मेवारी से हम निभाएंगे और गैर जिम्मेवारी से नहीं निंदा करने के लिए या आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करेंगे जो अच्छा काम होगा सरकार का उसको हम सराहना करेंगे और जहां सवाल होगा जनहित का किसान का मजदूर का हरियाणा का हम उसके लिए उनके हितों के लिए लड़ाई पूरी लड़ेंगे सड़कों से लेकर विधानसभा तक और लोकसभा में जी क्या अभी जो ढाई महीने की सरकार जिस दूसरे टर्म का काम का, कार्यकाल जो चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल की सरकार का उसको आप कैसे आंक रहे हैं वो सही दिशा में बढ़ रही है विपक्ष के नजरिए से सरकार कहाँ आगे चल रही है देखिए अभी तो सरकार ने काम शुरू नहीं किया जो ये गठबंधन बना है वो कोई वैचारिक समानता तो है नहीं इनकी ये तो वो उसमें बने है। लेकिन सरकार बना ली इन्होंने प्रजातंत्र में भाई ये तो डेमोक्रेसी में नंबर गेम है नंबर बना के सरकार बना ली गठबंधन की हालांकि वैचारिकता समानता ना तो इन दोनों दलों में है ना जो जे जे पी के दल में व्यक्ति हैं उनमें है, उन है। ये आपने देख लिया थोड़े दिन दो ढाई महीने में देख लिया लेकिन मैं मैंने फिर भी कहा काफ़ी आपने सवाल भी पूछे भाई मेरी शुभकामनाएं हैं जो वायदे किए हैं वो पूरे करें लेकिन अब तक तो कोई काम ही शुरू नहीं किया इन्होंने कोई सरकार ने कोई दिशा ही नहीं दी किस दिशा में जाएंगे क्योंकि गठबंधन का पहला असूल ये होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दें चलो ये विचारिक इनके मतभेद थे वैचारिक समानता नहीं थे लेकिन कम से कम ये किन ब, 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 किस प्रोग्राम पे आगे बढ़ाएंगे ये कोई दिशा दी नहीं अब तक ढाई महीने हो गए इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं बना है तो किस दिशा में जाएंगे अभी तक तो मैं कह समझता हूँ कि सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ इनसे ये कब काम करना शुरू करेंगे जी लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया की हम बात करें या फिर अनिल विज की प्रतिक्रिया की हम बात करें वो ये कह रहे हैं कि आप दरअसल गठबंधन के नाम पर जो तंज कस रहे हैं वो दरअसल आप अपनी सियासी बिसात बिछाने बचाने के लिए कर रहे हैं वो आप अपनी सियासी पारी जो है वो थोड़ा और लंबा खींच जाए इसके लिए कर रहे हैं वरना पारी आपकी खत्म है ये सीधा दो टुक जवाब आता है सर वहां से ये तो कोई वो नहीं है ना प्रजातंत्र में तो कभी हम जा जहाँ पे ये हैं आज वहाँ हम थे जहाँ हम होंगे वो ये होंगे ये तो लोगों के मन मजी बात है मैंडेट लोगों ने क्या दिया है प्रजातंत्र का बेसिक बात है मैंडेट क्या दिया है किस दल को क्या मैंडेट दिया था तो मैंडेट के खिलाफ तो इनका गठबंधन बना है मैं कोई तंज नहीं कस रहा मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ लेकिन जो प्रोग्राम लेके गए हैं जो लोगों से वायदा किया है वो तो पूरा करें कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया या कौन सा फैसला इन्होंने किया जनता का या कौन सा क्या सामने तो आए लोगों को सर मैंडेट मेजॉरिटी का तो था बीजेपी के पास किसी के साथ के तो आना था उनको ये तो हारा मै जो मेजॉरिटी में तो... नहीं मैंडेट के लिए किसी के साथ तो आना था सर इनके थे 40 थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है किसी के साथ आ गए ना गठबंधन में आ गए लेकिन जो लोग जो लोगों का वायदा था जो एक दूसरे को खिलाफत करके बने ना ये इनकी तो मुखालफत करके बने वो इस गठबंधन से इतना ऐतराज क्यों है ये तो स्वार्थ के लिए है स्वार्थ सरकार सरकार नहीं मेरे गठबंधन का कोई एतराज नहीं जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी है लेकिन सरकार का गठन होने से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने तय कर लिया मेरे को इस बात का एतराज है तुम एक वैचारिक समानता के विरुद्ध आपने मैंडेट के विरुद्ध सरकार बनाई है लेकिन नंबर गेम है सरकार बना ली कोई बात नहीं तो कॉमन प्रीमियम प्रोग्राम तो दो क्या करना चाहते हो आपने क्या वायदे किए हैं आगे क्या करने ये तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है भाई प्रजातंत्र में या लोगों का सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए आप आ, सत्ता हत्याने के लिए बात थी आपकी प्रोग्राम अगर नहीं आया है हुड़ा साल, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार नहीं चल रही है क्या आपको लगता है गठबंधन में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप अक्सर सवाल ये भी उठा देते हैं ये है। सरकार तो चल ही नहीं आपको, पाएगी आपको, आप मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा करने लगा था आप ये बताए आप ये बताए सरकार चलती दिखाई दे रही है कि आपको कौन सा फैसला किया इन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने पे, हमने पेंशन बढ़ा दिया वो कह रहे हैं कि हमने बसों का बेड़ा बढ़ा दिया है पेंशन में ढाई सौ रुपये कौन सी पेंशन बढ़ा दी कौन सी कौन, कौन सी कौन सी पेंशन बढ़ा दी है पचास रुपये वायदा क्या था लोगों से पचास रुपये दो सौ रुपये साल के तो हर साल बढ़ाते थे आपके ढाई सौ कर दी से केवल पचास रुपये बढ़ाए लेकिन दोनों का प्रोग्राम आप निकालो घोषणा पत्र निकालो लोगों से क्या वायदा करके वोट मांग के आएंगे सवाल इस बात का है और बस की आप कह रहे कहीं ये आपका किलोमीटर स्कीम पे घोटाले हो रहे हैं कभी कह पिछले पाँच साल में कितनी बस खरीदी कितनी बस कंडम हुई कोई ब्यौरत तो नहीं ये खाली कहना तो बहुत आसान है मैंने कहा ना इवेंट मैनेजमेंट करना बहुत आसान है लेकिन अब तो ये इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये जो है नोटिफिकेशन से सरकार सरकारें नहीं चलती हैं वेबसाइट पे नहीं चलती हैं जब वेबसाइट पे नहीं चलेंगी तो खाली मेरा तो भाई सीधा सा एक ही सवाल है मैं कोई किसी की निंदा व्यक्तिगत नहीं करता लेकिन सीधा सवाल ये है घोषणा पत्र खोल के क्यों नहीं बैठते अपने सामने ये जब आपके सामने आते हैं तो घोषणा पत्र लाए हाँ भाई हमने ये किया ये घोषणा की थी ये लोगों से वायदा किया था ये हम पूरा कर रहे हैं ये पूरा करने जा रहे हैं ये इतने दिन में होगा नहीं होगा कुछ तो बताए दिशा तो दिखाएं सरकार की किस दिशा में जा रहे हैं सर आपने मैनेजमेंट किलोमीटर स्कीम का घोटाला है कहीं आप देखे देखिए सरकार आने के बाद धान की खरीद हुई और पिछले चार साल में हर बार ये हम उठाते रहे कि धान की खरीद में घोटाला है इन्हें हमने कहा घोटाला है एक मंत्री ने कहा घोटाला है दूसरा मंत्री कहता नहीं हमने देख लिया कोई घोटाला नहीं है सब ठीक है आप फिर कह रहे हैं घोटाला है भाई है कहाँ है, कहा? है सच्चाई क्या है ये तो लोग जानना चाहते हैं ठीक है सर आपने इवेंट की बात की आपने कहा कि मैनेज करना कोई चीज़ को बहुत आसान होता है मैं इसी आ, के तरफ आना चाहता हूँ क्या यह माना जाए कि आप क्योंकि चुनाव से पहले बार बार कह रहे थे सर कि चीजें संगठन को लेकर के अध्यक्ष पद को लेकर के या चुनाव जिम्मेदारियों को लेकर के और पहले अगर कुछ फैसला लिया गया होता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते तस्वीर कुछ और होती हरियाणा में सरकार की क्या वहां मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया क्या आपको लगता है उसके लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार माना जाना चाहिए फैसला तो आला ने लिया सर या इस पर आप बात रखेंगे नहीं आला कमान ने किया देखिए जो आला कमान ने किया है दे राय दुरुस्त आए ठीक है ना लेकिन ये बात तो मतलब कोई वो छुपी बात थोड़ी थी मैंने स्पष्ट कहा था थोड़े दिन और फैसला पहले होता तो नतीजा और होता आज भी उसी में मैं हूँ ये तो कोई सच भले मैं तो सच बोलता हूँ इस बात के लिए तो खैर आपकी तारीफ होती है हमेशा क्या आप ये माना जाए कि आप आपको तो दो राय नहीं आप क्या ये, 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 जी क्या आप माना जाए कि हरियाणा में कांग्रेस अब एकजुट है संगठित है क्या ये माना जाए जो एक आपको आपके पास नतीजे आए वो बेहतर हो सकते थे नहीं आ पाए क्योंकि पहले कुछ फैसले जल्दी नहीं लिए गए अब स्थिति क्या है हरियाणा में कांग्रेस की नहीं फै, एक एक फैसला एक एक फैसला नहीं फैसला लेने में थोड़ी देर हुई और उसके पहले पाँच साल तक संगठन नाम की कोई चीज़ हरियाणा में थी नहीं ना ब्लॉक का प्रधान था ना जिले का प्रधान था ये बात मैं कह रहा था तो अब हम मजबूत संगठन बनाएंगे कांग्रेस एक है मजबूत बनाएंगे अभी हमारी एनरोलमेंट शुरू होगी अब अपने जनवरी में ही, और आगे मार्च तक जो है हमारा सारा संगठन बन जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक ठीक है होटा साहब चलिए इन चुनाव से आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ थोड़ा चलते हैं दिल्ली में क्या उम्मीद करती है कांग्रेस क्या तैयारी नजर आती है देखिए दिल्ली में मैं समझता हूं वहां पर मुकाबला जो है वो कांग्रेस और आप पार्टी में रहेगा किस आधार पर हम ये समझ सकते हैं क्या आप इसके पीछे कुछ वजहें गिना सकते हैं सेंटर में बीजेपी लगातार वैसे, वैसे, वैसे तो वहां तिकोनिया होगा वैसे वहां तो तिकोनिया मुकाबला होगा बीजेपी कांग्रेस और आप लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप में लगता है मेरे को क्यों आपको ऐसा लगता है क्या हम ये समझ सकते हैं जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि तमाम दुनिया भर के कानून जो कोई नहीं कर पाया हमने करके दिखाया है और घर घर तक गृह मंत्री तक जा रहे हैं एक एक दरवाजे तक जा रहे हैं ये योजना है फिर कांग्रेस अपना दावा कैसे मजबूत समझ रही है तो, जी वो तो देखो जी सारे सारी वो उनकी उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है गृह मंत्री जाएंगे हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हमारे भी सारे नेता जाएंगे वो तो उनके पास मतदाताओं तो के पास तो जाएंगे जब उनकी वोट से मतदाताओं मतदाताओं मत के मत से सरकार बननी है तो क्यों नहीं जाएंगे तो जाए जाना भी चाहिए वो केजरीवाल जी भी जाएंगे भाई बीजेपी के भी सारा नेतृत्व तो जाएगा कांग्रेस का भी नेतृत्व तो जाएगा और भी जो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सब अपनी अपनी बात रखेंगे लोगों से वायदा करेंगे लोग किस पर विश्वास कितना करते हैं वो नतीजा बता देगा दिल्ली के चुन दंगल में जो अब स्थिति बन रही है वहाँ गठबंधन को लेकर के भी एक पक्ष सामने आ रहा है कि क्या गठबंधन के तहत अब आप चुनाव में जाएंगे तो उसका बड़ा फायदा होगा जैसे बीजेपी के साथ ये बात चल रही है कि जे का गठबंधन शायद अलाय हो वहाँ पर यह भी बात चल रही है कि श्रोमणी अकाली दल का अलाय वहाँ पर हो जाए हालांकि अभी बातचीत चल रही है सर क्या अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये जेजेपी के तौर पर हरियाणा के जो जो लगते हुए इलाके हैं वहां पर जेजेपी सीटें अगर, अगर सिख वोटर के तौर पर अकाली दल साथ हो जाए वो अगर सीटों को निकाल लेती है तो ऐसे में कांग्रेस के पास सर बैकअप प्लान या इस तरीके की रणनीति से डिफेंस अटैक करने को तो लेकर तो सारे, सा, सारे, सारे सवाल उठा रहे हो इनका जिनका कोई मायना नहीं जिन सवालों का ये सब हाई है बार बार तो सब के यही बयान आ रहे हैं कि अब अकेला चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन होगा जब उसके बाद ही कोई बात कहेंगे अभी तक तो कोई ऐसी स्थिति आई नहीं किसी के गठबंधन में कोई बड़ा चेहरा सर दिल्ली में इस वक्त नजर आता है क्योंकि देखिए स्वर्गीय शीला दीक्षित जब तक रही उनसे बड़ा फायदा दिल्ली में कांग्रेस को लगातार मिलता रहा लेकिन उसके बाद से सर कुछ कमी महसूस हो रही है खासकर के अगर हम दिल्ली नेतृत्व की बात करते हैं तो और इस चुनाव में जाने की बात करें तो देखिए अब अब जो दिल्ली में जो बाग दौर दी है सुभाष चोपड़ा जी को वो भी एक साथी हैं आप देखो उनके मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए कोई पेट में तो नेता पैदा नहीं होता है ना वो तो उसके समय समय पर होता है तो शीला दीक्षित जी का नेतृत्व तो बहुत मजबूत नेतृत्व तो था बहुत उन्होंने दिल्ली में विकास भी किया और ये भी अपने तजुर्बेकार नेता हैं ठीक है आ, इसी प्रकार से भाजपा में भी कोई ऐसा नेता तो उभर के नहीं आ रहा लेकिन वहाँ पे भी किसी को तो देंगे उनका उनके, उनके अध्यक्ष हैं वो भी सांसद हैं भाई केजरीवाल जी हैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो टिकाऊ है मुकाबला है जैसे मैंने कहा ठीक है भूपेंद्र सिंह हुडा जी नागरिकता संशोधन कानून पर जिस तरीके से गतिरोध की स्थिति बरकरार है क्या आपको लगता है कि इसका नफा नुकसान भी तय करेगी जनता आप चाहे चुनाव का मसला हो चाहे वो अन्य योजनाओं का मसला हो देखिए किसकी बात करें आप एनआरसी की एनआरसी तो प्रधानमंत्री जी कह चुके वो उसके तो कोई चर्चा ही नहीं हुई तो हमने कह चुके एन आर पी की बात जो है वो देखिए वो सवाल ये है अभी तक तो मैदान में आया नहीं क्या परफॉर्मा ये देंगे अब पहले भी हुआ एन आर पी पहले कांग्रेस के समय भी हुआ उस टाइम क्या परफॉर्में था अब जिस बात की चर्चा है अभी तक तो परफॉर्मा आया नहीं क्या क्या पूछेंगे अगर मेरे से पूछने लग जाए कि मेरे पिताजी की तो जन्म तिथि का मेरे को पता है लेकिन मेरी माता जी का तो जन्म तिथि मेरे को याद नहीं है तो ऐसे सवाल वो दिखते हैं जो सबसे सबसे बड़ा गतिरोध सी ए को लेकर के आया मेरा कहना, मेरा सिर्फ सिर्फ कहना का मतलब गतिरोध नहीं है वो ये वो ये कहा जा रहा है की एक 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 समुदाय विशेष को एक समुदाय विशेष को केंद्रित करके जो इस पर सियासत हो रही है या बयानबाजी हो रही है वो कितना सही है सर या इसको समझने की जरूरत है कानून को वो वो CAA की बात करें आप जी वो अमेंडमेंट बिल की बात करें आप अमेंडमेंट की जो संशोधन आया है जी तो, मैं, उसी की बात मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे एनआरसी में कहा कि एनआरसी की तरफ तो कोई चर्चा नहीं हुई तो सी है मेरा सिर्फ एक ही कह रहा है जो लोगों के दिलों में शंकाएं हैं जो एक बात सवाल उठ रहा है भाई उनका परफॉर्मा क्या होगा क्या जानना चाहते हैं ये शंकाएं दोनों की दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है अपने उनकी दूर करें इस दुविधा को दूर करने के लिए सरकार कह रही है कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं लेकिन विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो वो जायज़ नहीं है अनिल जी तक कहते हैं दम के साथ कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का सोनिया गांधी राहुल गांधी तक का जिक्र करते हैं वो कहते हैं कि देखते हैं कौन रोक सकता है हम कैंप लगाएंगे कैंप लगाकर नागरिकता देंगे रोक सको तो रोक लो इस तरह से समाधान निकलता है इस तरह से गतिरोध खत्म हो जाएगा देखिए देखिए वो 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 क्या कह रहे हैं मैंने मैंने कहा ना अभी तो परफॉर्मा आया ही नहीं है भाई साहब असली बात तो क्या परफॉर्मा आता है उस बात के लिए कोई अगर डाउट रहता है तो उसको सा, सा, उसकी वो करना तो सरकार की जिम्मेवारी है ना शंकाएँ दूर करना सरकारी जिम्मेवारी है ठीक है, है। वे वेरी क्लियर ठीक है जी जे हिंसा जो हुई अभी उसके पीछे भी, भी ये कह रहे हैं इसलिए इस तरह की हिंसा हो रही है आरोप में कितना बड़े, बड़े वो, आ, अपने सोच देखो ये बड़ा सोचनीय विषय है यूनिवर्सिटीज में इस किस्म का हो रहा है ये पढ़ाई के लिए बने ऐसा नहीं होना चाहिए बाकी जो जहाँ की जी का सवाल है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए अब कोई पुलिस को दोषी बता रहा है कोई किसी को दोषी बता रहा है कोई कौन को है लेकिन जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए मेरा ये पूरी तरह इसकी जाँच होनी चाहिए ठीक है क्या आप लोग जो ये अक्सर कह रहे हैं कि, कि ये इस किस्म का माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है ठीक है अच्छा हुडा साहब ये एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से बार बार आ रहा है आजकल सामने कि कई विधायक जो है वो आपके संपर्क में है सरकार के गठबंधन जो चल रही है उसके पार्टी के तो इसका क्या संकेत निकलता है या आप इसके जरिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस वक्त सर नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं ये मैंने कभी नहीं कहा ये तो आप आप लोगों को है मेरे कहते भाई आपके संपर्क में विधायक विधायक तो सब है ही प्रजातंत्र में हम सब एक दूसरे के संपर्क में है ही नई बात तो है नहीं लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये सरकार पांच साल चल ही नहीं पाएगी बोझ में स्वयं गिर जाएगी ऐसा लगता है क्योंकि जिस प्रकार से आपस में विरोधाभास चल रहा है आपके सामने है आप अखबारों में पढ़ते हैं आपकी खबरों में देखता हूँ उन्हीं में है तो वो सरकार जो है ऐसी सरकारें अपने बोझ में खुद गिर जाती हैं ये मैंने कहा ठीक है आ, एक और स्टेटमेंट जो बा, बा, सामने आ, सामने आती रही है लगातार वो ये है कि अगर मौका हमें मिलता है कहीं भी तो फिर हम इस बार कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे नहीं चुकेंगे और मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति आती है तो कोई रोक नहीं सकता है इसको लेकर के जो सवाल उठते हैं वो ये है कि क्या कांग्रेस इस फिराक में है या कांग्रेस सरकार के गठबंधन को तोड़फोड़ करने की कोई कवायद में है? ये बातें सामने आती हैं। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं तो, तो स्पष्टीकरण दे चुका ऐसी अपने बोझ में खुद गिर जाती हैं ऐसी कोई परिस्थिति होगी चुनाव हो तो हम तैयार हैं लोगों ने देख लिया जिस प्रकार से है इसको मौका देख लिए दे के देख लिया और पाँच साल इनके देख लिए और क्या नतीजा निकला और अब जो वायदा करके ये आए हैं जो जो घोषणा पत्र थे उनको उसमें किस डायरेक्शन में अब तक तो कोई काम किया नहीं अब ऐसा इनको लो, लोगों को ये हो रही है जो उम्मीद है वो नाउमीदी में बदलती जा रही है वोटा सब आरोप आप पर लग रहे हैं आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझकर तोड़फोड़ करना चाह रही है नहीं हमने तो कोई तोड़फोड़ नहीं करी ना तोड़फोड़ करने का इराका है लेकिन ऐसी जो विरोधाभास है इनका आप जो चल रहे हैं हमारा एक एक तो है ना हमारा एक तो मकसद है ना कि जनहित की बात हो जनहित का फैसला ले सरकार का, का काम जनहित के फैसले लेने का है अब जिसका आज किसान मजबूर मजबूर हो गया एम भी नहीं मिल रही उसको आज गन्ने का किसान आप देख रहे हैं उसको पेमेंट नहीं मिल रही आफ्टर ऑल क्या होगा ये तो इस प्रकार से किसान कानून व्यवस्था नाम की धज्जियाँ उड़ गई तो ये लोग जो हैं ना इस बात से हर वर्ग परेशान है सरकार से और जनादेश जो है ना जनादेश के विरोध में जो सरकार बनी है अब काम नहीं कर पा रही है काम करना चाहिए सरकार को मैं कह चुका हूँ हमारा मैंडेट विपक्ष का दिया है लोगों ने हम अपनी भूमिका निभाएंगे और कंस्ट्रक्टिव uh, भूमिका निभाएंगे अच्छा काम करेगी सरकार हम कहेंगे हाँ भाई ठीक किया इनने और नहीं करेंगे तो हम तो अपना लड़ाई लड़ेंगे जनहित की लड़ाई लड़ेंगे सर कई मंत्री इवन खासकर कृषि मंत्री भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहे थोड़ी देर पहले सर आपसे पहले सेशन में वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए जितना कुछ कर रहे हैं और जितना अभी मनोहर की सरकार की पहली टर्म ने कर दिया है वो तो कोई कर ही नहीं पाया है चाहे वो मसला हो चाहे वो उनको मंडियों उनका जमा इस... अरे मेरी बात सुनो कोई क्या क्या किया है खाद मेरी बात सुनो हमारी सरकार थी जब किसान के ऊपर ना तो खाद पर टैक्स था ना पेस्टिसाइड्स पे था ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था अब टैक्स पे टैक्स लग गया कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गई लागत बढ़ गई और एमएसपी मिलती नहीं नक्शेल क्या है जबानी तो जबान में तो कुछ कहे कुछ कह जाओ क्या भला किया भाई एम एस पी भी नहीं मिल रही और कोटा फिक्स किए जा रहे हैं कि बाजरा हो सरसों हो कि एक एकड़ की हम इतने खरीदेंगे ये ये ऐसे थोड़ा ये फिर कहाँ जाएगा किसान सर हरियाणा का जो किसान है वो तो बहुत लंबा विषय है ठीक है सेंटर पोल में तो उसका बहुत एक बहुत बड़ा शेयर है।, है सेंटर पोल की जब बात होती है तो हरियाणा हरियाणा किसानों का बहुत बड़ा जो योगदान समझा जाता है लेकिन स्थिति बेहतर फिर भी इनकी नहीं होती है तो क्या ये केवल पंजाब के बाद स... हरियाणा पंजाब जी तो इसके बावजूद किसानों की जो बदहाली है इसके पीछे क्या केवल प्रदेश सरकार को जिम्मेदार माना जाए किन नीतियों को माना जाए आखिर वो क्यों बेहतर स्थिति में नहीं आ पा रहा है क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों, क्यों, क्यों और और कौन जिम्मेवार होगा भाई एम एस पी फिक्स कौन करता है सरकार करता है अब कितने कितने लागत के हिसाब से आप देखो स्वामीनाथन का वायदा इन्होंने किया घोषणा पत्र में अब क्यों नहीं लागू कर पा रहे ये भाई लागत जमा पचास परसेंट मुनाफा किसान का इन्होंने वायदा किया है तो ये देना चाहिए इनको लेकिन जो एम एस पी बढ़ रही है अब तक वो ना के बराबर पड़ रही है मान लो यूपीए के समय में पंद्रह परसेंट का इजाफा होता था हर साल गेहूँ की मैं इसमें इनका दो से तीन परसेंट होता है जबकि लागत बढ़ रही है आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हुआ यहाँ मतलब वो हो गया अब हरियाणा सरकार ने वेट जो है जो हमारे समय में नौ पर नौ प्रतिशत कुछ था आज वो बढ़ा के अठारह परसेंट कर दिया लागत तो बढ़ा दी किसान के ऊपर लेकिन आमदनी बढ़ाई बढ़ी नहीं तो और क्या हुआ कर्जा कर्जा बढ़ने के सिवाय और किसान का कोई और कोई चीज़ थोड़ा बढ़ी है ठीक है कर्जा ही उसको। साहब हरियाणा हरियाणा के मनोहर सरकार के मंत्री लगातार एक्शन में इन दिनों नजर आ रहे होंगे ये खबरें आप भी देख रहे होंगे लगातार एक्शन हो रहा है और अधिकारियों कर्मचारियों पर गुस्सा या सस्पेंशन ऐसी कई कार्रवाइयां लगातार हो रही है इसको किस रूप में आप देखते हैं ये जो कार्रवाई हो रही है इसका मतलब यह है कि सरकार सफल सरकार नहीं है ये क्यों हो रहा है ऐसा भाई क्यों हो रहा है बाकी ये अखबारों में सुर्खियाँ बनाने के लिए अच्छे आपको लग रहे होंगे लेकिन असली तो ये परफॉर्मेंस भाई कोई विकास प्रदेश का कैसे होगा किसान खुशहाल होगा गरीब आदमी खुशहाल होगा कर्मचारी खुश होगा और इन संस्थाएं आएंगी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जब भी तो होगा ये सरकार ये मेरे को बता दे पाँच साल में कौन सी रेलवे लाइन ये लेके आए कौन सा मेट्रो बढ़ाया है कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हैं कौन सी शिक्षा की संस्था बनाई है कोई एक काम तो बताएं या मैं मैं बताता हूँ हमारे समय में क्या हुआ क्या अचीवमेंट है इनकी अचीवमेंट बताएं ना खाली इवेंट मैनेजमेंट करना गुड़गांव में कहना कि छः लाख करोड़ की या पाँच लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी कितने की आई है भाई बताओ ये ये तो, देखिए वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती है हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर से आप संतुष्ट हैं मैं तो कह चुका हूँ लॉन ऑर्डर नाम की कोई चीज है नहीं ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं आप खुद देख रहे हैं रोज अभी पानीपत में आज ही मैंने सुबह पढ़ा कि एक बच्चे को मार दिया गया उसे वो मांगी फिरौती मांगी और नींद दिया बच्चे को इस प्रकार से रोज हो रहे हैं एवरेज देखिए जो प्रदेश दो में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था आज बेरोज़गारी में नंबर एक है हरियाणा आज पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर एक है 28 प्रतिशत जो है बेरोजगारी की दर है यहाँ पर जबकि 2012 में हमारे समय में दो दशमलव आठ थी आज 28 प्रतिशत दस गुना बेरोजगारी बढ़ चुकी है और बढ़ ही रही है आप कहीं देख लें

प्लानिंग कमीशन के उसमें आए अठारहवें नंबर पे हम पहुंच गए आज हरियाणा अठारहवें नंबर पे है अठारह अठारहवें पायदान में खड़ा है देश में ये मेरे आंकड़े नहीं है ये बे, बेरोजगारी की जो दर है मेरे मेरे आंकड़े नहीं है मैं नहीं बना रहा हूँ ये तो उन सर्वे किया उन्होंने तो अट्ठाईस प्रतिशत हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है पूरे देश में नंबर वन है आज बेरोजगारी में हरियाणा सरकार को आपको सुझाव देना चाहते हैं कैसे समस्या को दूर किया जाए आप भी वरिष्ठ कद्दावर नेता रहे हैं। प्रदेश का नेतृत्व किया आपको सुझाव आपस में हाँ हाँ करना चाहिए कर, कर, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए जो वायदा किया वो पूरा करना चाहिए और काम करना शुरू करना चाहिए किसान हित की, की बात सोचनी चाहिए और जो वायदा किया वो पूरा करना चाहिए और आपस में जो है कोई बात नहीं होती है कोई सलाह करके अच्छा विचार विमर्श करके समाधान निकालना चाहिए बेरोजगारी की सबसे प्राथमिकता बेरोजगारी रखनी चाहिए बेरोजगारी जो इतनी उससे तेजी से बढ़ रही है क्या होगा फिर हमारा भविष्य किसान गांव समस्या में पड़ा है उसका है आज आप व्यापारी देख लो व्यापारियों का क्या हाल है कर्मचारियों का क्या हाल है कर्मचारियों को सेवन पे कमीशन का आज तक एच भी नहीं मिला है जी साहब वो भी तो रोज हड़ताल में बैठते हैं जी जी गतिरोध की स्थिति देखने को मिली है कई वर्ग जो है चाहे वो किलोमीटर स्कीम को लेकर के रहा चाहे वो अन्य कर्मचारी रहे वो विरोध दर्ज करा रहे हैं लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम समस्याओं को दूर करें लेकिन वक्त लगेगा क्या ये ढाई महीने का समय जो गुजरा है हम इसको पायलट के तौर पर देखें सरकार के या हम आप इंतजार करें अभी आने वाले और समय का जो पांच साल में बाकी है नहीं ढाई ढाई महीने कैसे है पाँच साल पहले रही है सरकार खाली गठबंधन हो उसके ढाई महीने थोड़ा ही हैं भाई आप कुछ तो रास्ता दिखाएं कॉमन मिनिम प्रोग्राम ही लेके आए कुछ फिर लोगों को उम्मीद होगी वो तो लेके आए भाई हम ये करेंगे ये तो दें घोषणा पत्र में हमने कहा था हम ये वायदा पूरा करेंगे ये नहीं करेंगे ये तो कुछ तो बताएं कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है लेकिन देखिए काम शुरू कर दिया पेंशन बढ़ा दिया किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं मावंतर योजना जो पिछले चलाई गई थी घोषणा पत्र वो ये कह रहे हैं घोषणा पत्र यारोषण घोषणा घोषणा पत्र चुनाव से पहले जारी किया जाता है वो तो कर चुके हैं ये घोषणा पत्र आपके पास भी है मेरे पास भी नहीं है आपके पास भी मैं भेज दूंगा दोनों का घोषणा पत्र मैं भेज दूंगा आपके पास घोषणा पत्र दिया है उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं एक एक हर वर्ग को अलग अलग वायदे किए हैं कौन सा पूरा किया है ना ये मेरे को बताए मेरे घोषणा पत्र में फलाने नंबर पे ये हमने घोषणा की वो वायदा किया था ये हमने पूरा कर दिया मैं संतुष्ट हो जाऊँगा अच्छा हुडा साहब दुष्यंत चौटाला जिस जिम्मेदारी पर हैं इस वक्त प्रदेश के एक युवा नेतृत्व के तौर पर एक उनकी जिम्मेदारी अगर उनको मिली है आप हरियाणा के सियासत से अगर उनको देखते हैं उनकी भूमिका को देखते हैं आपने पीछे नतीजा देखा ही हो जाता है जी अब एक तरफ आप भी तो पैमाना है भाई ठीक है एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपने आप को संगठित और मजबूत मज़... विकल्प के तौर पर देख रही है इस वक्त ऐसी स्थिति में कि कुछ फैसले आपने जिसका जिक्र बार बार करना मुनासिब नहीं अब थोड़ा पिछड़ गई कांग्रेस कहने के लिए लेकिन ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वनवास था पंद्रह साल का खत्म होने को है और अब तो हमारी बारी है मतलब वो कांग्रेस भी पीछे फिर तो कांग्रेस को पीछे करके देख रहे हैं वो तो वो और क्या कहेंगे कांग्रेस को आगे करके कैसे देखेंगे वो एक राजनीतिक दल के वो करते हैं वो तो कहेंगे अपनी बात लेकिन फैसला तो लोग करेंगे ना ना वो करेंगे ना मैं करूंगा लोग फैसला करेंगे आपके फैसला कर दिया एक सीट जीते हैं वो ठीक है लेकिन एक अनुभवी कद्दावर नेता होने के नाते इस तरह की स्टेटमेंट आए तो फिर सवाल उठना थोड़ा सा लाजमी होता है कि हम उनसे यह स्टेटमेंट कैसे एक्सपेक्ट करते हैं खैर होडा साहब कुछ आरोपों के चलते आपको बार बार परेशान भी होना पड़ता है बार बार कोर्ट भी जाना पड़ता है तमाम स्थितियाँ हैं इन तमाम स्थितियों को लेकर आपको लगता है कि न्याय की प्रक्रिया आपके साथ सही चल रही है या आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सियासी पेंच या सियासी स्थिति रंजिशों की बनती है देखिए मेरे को पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका में और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्यों हमारे, हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं पूरन विश्वास चूंकि आप, आप, आप ही अक्सर हम कहते रहे हैं कि ये जानबूझकर के करके रंजिश के चलते ने हमारे, 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 हमारे 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 साथ ऐसा हुआ है और ये केस जो है वो लंबा खिंचता चला जा रहा है जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बदला बदली की सरकार थी है, बदली बदली की सरकार है बदले की भावना से केस बनाया गया लेकिन न्यायपालिका पर मेरे को पूर्ण विश्वास है सही फैसला होगा क्योंकि हमने गलत काम कोई किया नहीं ठीक है देश की, की तरफ आऊँ अगर अधार नहीं है जी भूपेंद्र जी देश को जो नेतृत्व तो इस वक्त मिल रहा है वो नेतृत्व मैं देश की बात कह रहा हूँ प्रधानमंत्री की बात कह रहा हूँ उस नेतृत्व वो जो नेतृत्व इस वक्त देश को मिल रहा है क्या आप उसको सही मानते हैं उसको कैसे आंकते हैं आप मोदी 2.0 पॉइंट जीरो गवर्नेंस देखिए देखिए मैं व्यक्तिगत कभी बातें नहीं करता लोगों ने मैंडेट दिया है उन्हें भी लोगों से वायदा किया है लोगों ने मैंडेट दिया है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं वो तो अब साल के बाद पता लगेगा नहीं मैंने इसलिए व्यक्तिगत सवाल ही नहीं किया सर मैंने सीधा कहा कि केंद्र सरकार जिन नीतियों के तहत आगे चल रही है क्या आप उसको बेहतर मानते हैं क्या वो लोगों के हाँ, फायदे और हितों के मुताबिक नजर आती हैं जो फैसले लिए जा रहे हैं जो कानून संशोधन किए जा रहे हैं उन तमाम स्थितियों के आधार पर ये तो ये तो पहले चर्चा हो चुकी जो जिन बात आप कर रहे हैं हुँ. लेकिन मैंने कहा ना लोगों ने मैंडेट दिया है उस सरकार को काम करने के लिए दिया है अभी तो बनी है पांच साल के बाद अपने वादों उतरेगी उतरेगी साल के बाद पता लगेगा ठीक है जो आपके सामने है ठीक है आज हमारा को विपक्ष का वो बैंडेट है हम अपने विपक्ष के वो निभाएंगे तो पांच साल के बाद लोग बता देंगे ठीक है वोटा साहब एक और आखिरी सवाल सेंट्रल लीडरशिप को लेकर के लेकिन कांग्रेस के लिए सेंट्रल लीडरशिप में क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी की अगुवाई में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इस वक्त कांग्रेस बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रही है या यहां भी कोई बदलाव की जरूरत है नहीं, आपके सामने है कांग्रेस के अलायंस से आपके झारखंड में सरकार बनी आपके सामने आप देख रहे हैं आप दिल्ली में देखना सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है ठीक है हुटा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने वक्त निकाला और सी पंजाब हरियाणा हिमाचल के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए और खुलकर अपने आपने अपनी बात रखी और उम्मीद करेंगे कि एक ईमानदार और डटे हुए विपक्ष के तौर पर आप लगातार अपने इस भूमिका को बनाए रखेंगे ताकि बेबाक जवाब सरकार को उससे भी हम लें और आपसे भी उसका काउंटर लेते रहें शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू तो भूपेंद्र सिंह हुडा हमारे साथ है और उन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया है लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक मजबूत और सख्त और ईमानदार विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वादा वो जरूर कर गए हैं और इसी तरह की उम्मीद हरियाणा की जनता करेगी कि वो ऐसी भूमिका निभाते रहेंगे शुक्रिया तो एक बार जोरदार तालियां